और अभी आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने सऊदी अरब को $1 अरब वापसी की वजह बता दी। कहते हैं कि सऊदी मईशत तेल की कीमतों में कमी से मुश्किल में थी। सऊदी अरब ने कड़े इम्तिहान में हमारा साथ दिया। पाक सऊदीया ताल्लुकात में कोई कशीदगी नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा को गुफ्तगू में आगाह कर दिया कि भारत की हरकतों की वजह से पूरा खित्ता गैर महफूज हो गया है। माइक पोम्पियो ने कहा है कि भारत से बात करेंगे। अमेरिका चाहता है पूरम तरीके से मामलात हल हों। हम सऊदी अरब के बेतहा मशहूर हैं कि कड़े इम्तिहान के वक्त में उन्होंने हमारा साथ दिया। ऑयल की प्राइसेस जिस तरह गिरी हैं, इम्पैक्ट उनकी मईशत पर भी हुआ। हमने हमारे दोस्त हैं, उन्होंने हमारी मुश्किलात को समझा, हमने उनकी मुश्किलात को समझना है। कोई कशीदगी नहीं है, मैं बरबला कह रहा हूँ। हमारे ताल्लुकात बहुत उम्दा हैं, ठोस हैं और इंशाल्लाह रहेंगे। मेरी मुफस्सल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पोम्पियो से बात हुई है। मैंने पोम्पियो से जिक्र किया है कि एक साल में मकबूजा कश्मीर, जम्मू कश्मीर की सूरत हाल किस तरह बिगड़ी है। मैंने सारे हालात उनके सामने रखे और अपनी तशवीश का इजहार किया कि किस तरह भारत की हरकतों से, उनके इलीगल यूनिलैटरल एक्शन से ये पूरा इलाका जो है, पूरा खित्ता जो है वो गैर महफूज हो गया है। पुराना हादसा कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है तो वो अनफोर्सीन उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से गुफ्तगुशनीद से मामला हल हो। तो मैंने कहा गुफ्तगुशनीद से इनकार कौन कर रहा है।